दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो डिलेटेड सिलेबस का जो पोर्शन है वो 12th बायोलॉजी का है ना, क्योंकि इस 12th का जो पोर्शन है वो हमें थ्योरी एग्जाम में भी देना है, तो इसलिए हम 12th के ही सिलेबस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम पास करने से अच्छा है हम पहला चैप्टर उसमें ले लेंगे। कौन सा है चैप्टर? द रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। ठीक है, अब इस चैप्टर में देखो जो फर्स्ट कंसेप्ट है ना, दैट इज द 1.1। 1.1 कौन सा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा है? उसमें देखा है हमने फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, है ना। उसके बाद हमने प्लांट्स में भी, हायर प्लांट्स का भी पोर्शन डिस्कस किया है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये पूरा 1.1 जो पोर्शन है वो पूरा के पूरा डिलीट हो गया है। ठीक है, ये हो गया चैप्टर नंबर 1 का। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 1 में 1.2 से लेके, है ना, 1.2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, दिस इज द 1.2, ये पोर्शन हमें एज इट इज डिस्कस करना है। यहाँ से आगे, यहाँ से आगे 1.2 से लेके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हमें डिस्कस करना है। इसका मतलब है 12th की बोर्ड के एग्जाम में, है ना, जब हो जाएंगी तब हो जाएंगी, उसमें जो फर्स्ट है 1.1 वो पोर्शन नहीं आने वाला। 1.2 से लेके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेके पूरा चैप्टर आने वाला है। ठीक है, यही कंसेप्ट उन्होंने नेक्स्ट जो टॉपिक है सेकंड नंबर का, है ना, दैट इज द रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल्स, तो उसमें भी उन्होंने वही पोर्शन, वही पर्टिकुलरली फैक्टर उन्होंने इसमें भी इम्प्लीमेंट किया है। कौन सा फैक्टर? इसमें भी उन्होंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिलीट किया है। ओके, अब मैं डायरेक्ट सेकंड नंबर पे, सेकंड चैप्टर पे जाऊंगा। ओके, ये पूरा है सिलेबस, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का 1.1 ही डिलीट किया है। ओके, हाँ, अब आ गया है चैप्टर नंबर सेकंड। देखो, इसमें भी 1.2.1 जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स, ये हमें नहीं पढ़ना है। ओके, देखो, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर हमें एज इट इज डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी हमें एज इट इज डिस्कस करना है। देर इज अ नो टॉपिक इज रिलेटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना, इस चैप्टर से एक भी ही पॉइंट डिलीट नहीं हुआ है। पहले फर्स्ट एंड सेकंड में क्या क्या डिलीट हो गया? 1.1 एंड 2.1, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी कट हो गया है और एनिमल में कट हुआ है। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, इस चैप्टर का एक ही पॉइंट उन्होंने डिलीट नहीं किया है। पूरा की पूरा चैप्टर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा सीधा चैप्टर नंबर 5 पे। ओके, क्योंकि 3 और 4 तो हमें एज इट इज डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, है ना, वो चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर इस चैप्टर को हमने डिस्कस देखे तो 5.1 से, है ना, 5.1 कौन सा है? द ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना। यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4, 5 पूरा डिलीट हो गया है। ठीक है, हम 5 का देखेंगे, 5.2, 3, हाँ, म्यूटेशन थ्योरी तक। ओके, पूरा डिलीट हो गया है। मगर जो 5.6 जो पॉइंट है, दैट इज अ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है ना। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। ओके, मगर उसके बाद जो 5.7 है, ओके, 5.7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है, यानी कि 5.7 से लेके 12 तक का, ठीक है, पूरा पोर्शन, पूरा पोर्शन, ठीक है, वो पूरा के पूरा डिलेटेड है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, यानी कि
इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न थियरी है ना। उसके बाद हमें इस चैप्टर का जो पोर्शन है वो पोर्शन ज़्यादा उसके बाद डिलीट नहीं डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो 5.13 जो है ना, कौन सा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ व्हाट कॉल्ड एज द ह्यूमन इवोल्यूशन। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसको डिलीट नहीं किया है। ओके ओके, नाउ दिस इज़ द ओनली टू पॉइंट, यानी कि 5 पॉइंट जो पांचवा चैप्टर है उसमें सिर्फ दो ही पॉइंट डिस्कस करने हैं, 5.6 एंड 5.13। ओके, ये दो ही पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, बाकी का कोई भी पॉइंट हम इस टॉपिक से नहीं लेंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा, दैट इज़ व्हाट द 6 नंबर, प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। लेकिन इसमें से 6.1 है सिलेबस को, 2 भी है और 3 भी है, ठीक है। यानी कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ना है, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन वो भी पढ़ना है, रूट का जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वाटर अवेलेबल फॉर रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ये भी पढ़ना है, मगर इसके बाद का जो पोर्शन है कौन सा, ये दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट फ्रॉम सॉइल। यहाँ से यानी कि 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ये पूरे पॉइंट्स डिलेटेड है, ये हमें पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें सिर्फ पॉइंट 6.1 से लेके 3 तक ही पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा स्किप करना है। कहाँ तक करना है, तो 6.13 तक हमें ये स्किप करना है। ओके, नाउ 6.13 तक का जो पोर्शन है वो पूरा स्किप करने के बाद इस चैप्टर में कुछ भी बचेगा नहीं, है ना। दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। यानी कि देखो, प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप में हमें सिर्फ 3 ही पॉइंट डिस्कस करना है, 1, 2, 3। ओके, अब चैप्टर नंबर जो 7 है, 7 में सिर्फ पॉइंट नंबर जो 9 है ना, सिर्फ वो ही हमें पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर हमें स्टेंट 9 जो है दैट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि हमें ये पढ़ना है, बाकी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है प्लांट ग्रोथ से लेके नाइट्रोजन साइकिल तक, 13 नंबर का जो पॉइंट है ना, उसमें से फर्स्ट पॉइंट है प्लांट ग्रोथ, सेकंड है फेज ऑफ ग्रोथ, थर्ड है कंडीशन ऑफ ग्रोथ, फोर्थ है ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ, उसके बाद ग्रोथ कर्व, 6 नंबर का पॉइंट है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट 7.7, 7.8 प्लास्टिसिटी, 7.10 फोटोपीरियडिज्म, 7.11 वर्नलाइजेशन, 7.12 मिनरल न्यूट्रिशन एंड 7.13 जो है वो है व्हाट वाज दैट द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। ये पूरा स्किप करना है, ये कुछ भी पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ही पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन में भी ऑक्सिन, उसके बाद है दैट इज द जिबरलिन, उसके बाद साइटोकाइनिन है ना, उसके बाद है एब्सिसिक एसिड, दैट इज द इथिलीन एंड लास्ट वन इज द एब्सिसिक एसिड। ओके, ये जो है वो प्लांट हार्मोन है, तो हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है, फोटोपीरियडिज्म हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट प्लांट ग्रोथ में लेना है, दैट इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दैट इज व्हाट द प्लांट हार्मोन, वो ही हमें पढ़ना है। 5 हार्मोन है, 5 हार्मोन की स्टडी है, बाकी कुछ भी इस चैप्टर से नहीं लेना है। ओके, यानी कि अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो चैप्टर नंबर है 8, ठीक है। अब 8 ये रेस्पिरेशन पे, ब्रीदिंग का चैप्टर है ये, तो हम देखेंगे रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का जो कंसेप्ट है इसमें 8.5। ओके, मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ठीक है, ये पूरा डिलीट है। यानी कि 8.1 इम्पॉर्टेंट है,
इसमें से हमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो 8.1 से लेके 8.4 तक पूरा पढ़ना है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पोर्शन। ठीक है, अब इसमें जो 8.5 है, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, दैट इज़ द मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट एंड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड वेंटिलेटर्स। ठीक है, ये पोर्शन हमें नहीं डिस्कस करना है, डिलेटेड पोर्शन है वो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, हाँ, अब देखो ये जो पोर्शन है, दिस इज द मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट है ना, ये डिलेटेड है, ये हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद 8.6 जो है वो है, उसको डिस्कस करना है। 8.6 से लेके 8.15 तक पूरा पढ़ना है। सिर्फ 8.16 जो है वो डिलेटेड है ना, अपन हम देखेंगे 8.16 कौन सा है पॉइंट, दैट इज़ रिलेटेड टू द एंजियोग्राफी, हार्ट अटैक एंड हार्ट ट्रांसप्लांट एंड साइलेंट हार्ट अटैक। ठीक है, ये पोर्शन डिलेटेड है। ओके, देखो ये हार्ट का, हाँ, दिस वन इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, कौन सा पोर्शन है, दिस पोर्शन। ओके, 8.16 में ब्लड ब्लड प्रेशर पढ़ना है हमें, क्या नहीं पढ़ना है तो वो है एंजियोग्राफी, नहीं पढ़ना है, दिस पोर्शन इज अ डिलेटेड पोर्शन। ठीक है, उसके बाद क्या नहीं पढ़ना है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं पढ़ना है हमें, ये भी डिलीटेड है। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ हार्ट अटैक है ना, वो भी हमें नहीं पढ़ना है। ओके, दिस पोर्शन, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। ओके, बाकी पूरा चैप्टर इसमें एज इट इज़ है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। ओके, यानी कि रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन में हमें सिर्फ दो ही पॉइंट कट करने हैं, 8.5 एंड 8.6, बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज़ है। ओके, नाउ दूसरा जो बड़ा कंसेप्ट है इस सिलेबस में, चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। इसमें भी पूरा चैप्टर है, सिर्फ तीन पॉइंट हमें डिलीट करने हैं, 9.6, 9.15 एंड 9.7। यानी कि 9.6 है रिफ्लेक्स एक्शन, 9.15 है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड 9.7 है रिसेप्टर। ओके, तो वही हमें डिलीट करना है। देखो 9.6 का जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शन का। देखो बच्चों, 9.6 जो पॉइंट है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इस पॉइंट में क्या क्या है, इसमें है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमें पढ़नी है, हमें इस 9.6 में सिर्फ एक ही पॉइंट डिलीट करना है और वो है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, देखो पेज नंबर 189 पे ये आपको मिलेगा। आप ओ, मैं अब ये इस वीडियो के दरमियान आपका जो बुक है वो लेके बैठिए, और जो जो मैंने बहुत ही बारीकी से जो जो पॉइंट डिलीट करने को कहा है वो आप पेंसिल से अपने बुक पे मार्क कीजिए, है ना। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा पोर्शन हमें पढ़ना है, हमें क्या डिलीट करना है नाइन्थ नंबर के चैप्टर में, तो वो है सबसे पहले 9.6 में जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो सब पॉइंट है। देखो सब पॉइंट यहाँ पे आ गया, ह्यूमन ब्रेन आ गया, उसके बाद ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट है वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सब हमें पढ़ना है ये। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद का जो लास्ट पोर्शन है देखो, दैट इज द मिड ब्रेन है ये।
हाँ देखो, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी हमें पढ़नी है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हमें दो तरह के नर्व्स पढ़ने हैं, क्रीनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, मगर जो आखिरी ये पोर्शन पूरा के पूरा नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्स सेक्शन हम नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को भी इसमें से डिलीट कर देंगे। दिस चैप्टर इज़ नॉट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द थेरी सिलेबस, है ना, ये थेरी सिलेबस में ये इंक्लूडेड नहीं है। देखो इसमें, इस चार्ट में पूरा रिफ्लेक्स सेक्शन का पूरा बायोडाटा है। क्रेनियल रिफ्लेक्सेस मीन्स वॉट, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन का जो दूसरा टाइप है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस पे है, अनकंडीशनल इनकंडीशनल, डिफरेंट टाइप से, वो हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके नाउ जो 9.15 जो चार्ट है वो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन पे है, वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो 9.7 जो है वो है दैट इज बेस्ड ऑन द रिसेप्टर, मगर हमें ये इम्पोर्टेंट है एटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको हम पढ़ेंगे। ओके दिस इज़ नॉट डिलेटेड। एटोनोमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो वो पढ़ेंगे। दैट इज 9.7, जो रिसेप्टर है वो हमें नहीं पढ़ना है। सेंसरी रिसेप्टर या रिसेप्टर जो है वो हमें इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन एन एवरेज इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो टोटल 3 पॉइंट्स जो है वो डिलीट हो गए हैं, मगर बहुत बारीकी से आप देखो, है ना, ये पूरा है ईयर का रिसेप्टर का पूरा, सिर्फ रिसेप्टर उन्होंने विड्रॉ किया है, मगर ये आई स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ये पूरा पोर्शन हमें पढ़ना है। ठीक है, ये इसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। ओके मैं सिर्फ डिलीटेड पोर्शन के बारे में बताऊंगा ना। तो इसमें देखिए, अगर ये हमने चैप्टर नंबर 9 अगर कंसिडर किए, तो हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हमने इसमें रिमूव किए हैं। तीन कौन से रिमूव किए हैं? सबसे पहले है 9.6, इसमें से सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन, ये पूरा पोर्शन डिलीट हो गया है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब जो चार्ट है, चार्ट कौन सा है, चार्ट है देखो 9.15 का जो चार्ट है ना, ये 9.15 का जो चार्ट है वो किस पे डिपेंड है, वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन पे, वो भी डिलीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद 9.7 है ना, क्या बताया मैंने, 9.7, 9.7 भी बहुत बड़ा पॉइंट है, मगर हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या डिलीट करेंगे, तो वो है रिसेप्टर, सिर्फ हम रिसेप्टर ही डिलीट करेंगे, बाकी पोर्शन हम जैसे कि वैसा रखेंगे। ओके नाउ अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दो 10th नंबर का, वो है हेल्थ एंड डिसीज। ये पूरा के पूरा चैप्टर एज इट इज़ है, एक ही इसमें से पॉइंट डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, हेल्थ एंड डिसीज़ ये जो चैप्टर है, इसमें से कोई भी पॉइंट उन्होंने डिलीट नहीं किया है। ठीक है, मगर चैप्टर नंबर 11 जो है, दैट इज़ बेस्ड अपॉन, दैट इज़ बेस्ड ऑन द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ओके ये टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, मगर क्या नहीं डिस्कस करेंगे, तो वो है 11.2, 11.2, 11.3, 11.4 एंड 11.6। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को, इस पॉइंट्स को इस टॉपिक में हम ट्रेस करेंगे। हमें टू डिलीट करना है, टू मीन्स द प्लांट ब्रीडिंग, इसमें का एक ही पॉइंट हम नहीं लेंगे। ठीक है, थ्री भी डिलीट करना है, थ्री कौन सा है, टिश्यू कल्चर का पॉइंट है, देखेंगे अपन, दिस वन इज द टिश्यू कल्चर। ओके अभी पूरा ये देखो, ये आ गया यहाँ पे टिश्यू कल्चर, इसको भी हम नहीं पढ़ना है, हमें इसके भी नहीं पढ़ना है। ओके उसके बाद है सिंगल सेल प्रोटीन, ओके एस सी पी जी से कहा जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। ओके हम इसे भी डिलीट करेंगे, इसे भी हम नहीं डिस्कस करना है। ओके उसके बाद इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है 11.6, बायोफोर्टिफिकेशन,
इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें पढ़ना है, ये पोर्शन में इंक्लूडेड है, इसको डिलीट नहीं किया है। ओके, जैसे मैंने कहा है कि आप पेंसिल लेके बैठिए, इसकी वजह से आपको आसानी हो जाएंगी चैप्टर को, उसके पॉइंट को ट्रेस करने में, है ना। 11.6 पूरा के पूरा डिलीट करना है, कोई भी पोर्शन इसमें से हम नहीं लेंगे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री पे बेस्ड है ये टॉपिक, तो हम इसको पूरा के पूरा स्किप करने वाले हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, नाउ दैट इज रिगार्डिंग द व्हाट वाज दैट द एनिमल हस्बेंड्री पूरा पोर्शन। ओके, आप देखो यहाँ से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये पूरा की पूरा पोर्शन सिलेबस में है, इसको डिलीट नहीं किया है, ठीक है। 11.7 से लेके चैप्टर के एंड तक, यानी कि वही है 11.8 9, इसके आगे का पूरा पोर्शन एज इट इज है, कुछ कट नहीं हुआ है इस चैप्टर में। 11 नंबर के चैप्टर में सिर्फ 2 दैट इज अ प्लांट ब्रीडिंग, 3 दैट इज अ टिश्यू कल्चर, 4 सिंगल सेल प्रोटीन एंड एनिमल हस्बेंडरी, 6 यही डिलीट हुआ है, बाकी पोर्शन कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। जो 12 नंबर का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी और 13 नंबर का है ना, वो एज इट इज है, दोनों ही चैप्टर में से एक भी पॉइंट डिलीट नहीं हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी हमें एज इट इज डिस्कस करना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो 13 नंबर का चैप्टर है वो भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ये चैप्टर्स इसमें डिलीट नहीं हो गए हैं। ओके ओके बच्चों, ये जो इकोसिस्टम एंड एनर्जी जो 14 नंबर का जो टॉपिक है, लास्ट बट वन टॉपिक है, देखो अब इसमें देखो जो 14.1 डिलीट हो गया है पूरा की पूरा, ठीक है। 14.1 से लेके 14.4 तक पूरा पोर्शन डिलीट हो गया है। ओके, अब हम जाएंगे सीधा 14.5 पे, न्यूट्रिएंट साइकिल डिलीट हो गया है, अब हम जाएंगे सीधा 14.5 पे। देखिए दिस इज द 14.5 इकोलॉजिकल सक्सेशन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिलीट नहीं हुआ है, इस पॉइंट को हम स्टडी करेंगे, नॉट डिलेटेड। ओके, उसके बाद जो 14.6 जो है वो पोर्शन डिलीट हो गया है, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन तो है सिलेबस को, हाँ ये आ गया, देखो इकोलॉजिकल सर्विसेस है ना, ये पूरा पोर्शन डिलेटेड है, पूरा की पूरा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पे जाना चाहूँगा, वो है 15 नंबर का बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, है ना। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को उन्होंने 15.7 तक एज इट इज़ रखा है, देखो मैंने क्या कहा है, यानी कि 15.1 से लेके 15.6 तक पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एज इट इज़ रखा है, ठीक है। मगर जो 15.7 जो है, 15.7 है ना, तो उसमें से ए बी एंड सी, ए इज़ डिपेंड अपॉन द एयर पोल्यूशन, B is depend upon the noise pollution and C ये based है water pollution पे, ठीक है। ये portion पूरा की पूरा delete हो चुका है, हम अब 15.7 पे चले जाएंगे। okay, देखो ये पूरा पढ़ना है हमें, अब मैं सीधा 15.5 ये भी पढ़ना है, 6 भी है syllabus में, biological diversity act 2002 ये भी पढ़ना है हमें, मगर क्या नहीं पढ़ना है वो है ये टॉपिक, है ना। दिस वन इज द
डिलेटेड पोर्शन। कौन सा एनवायरमेंटल इशू पूरा, मगर इसमें से हमें आप क्या क्या डिलीट करना है, तो हमें डिलीट करना है फर्स्ट एयर पोल्यूशन, सेकंड मैंने बताया था है ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तक का पूरा, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, और दूसरा है वाटर पोल्यूशन है ना, ये पूरा की पूरा रिलेटेड पोर्शन है। उसके बाद जो 15.8 यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी पूरा डिलेटेड पोर्शन है। ओके 15.8 दिस इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, पूरा डिलेटेड है, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद ओजोन डिप्लेक्शन का जो 9 नंबर का पॉइंट है ना, वो भी डिलेटेड है, दिस इज़ द ओजोन डिप्लेक्शन, इसको भी हमें डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट, जो 10 नंबर का जो पॉइंट है, ओके हाँ ओके दिस वन इज जो डिफॉरेस्टेशन है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ये पूरा की पूरा पोर्शन रिलेटेड है, ठीक है ओके। लेकिन दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कॉल्ड द मिशन हरित महाराष्ट्र है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें पढ़ना है। देखो अब चैप्टर नंबर 15 पे हमने क्या क्या डिलीट किए, 15.7 एनवायरमेंटल इशू, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हमने पूरा निकाली, थर्मल पोल्यूशन जो भी है वो पूरा निकाल दिए। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग उसको भी हमने डिलीट किया, ओजोन डिप्लेक्शन जो 15.9 है वो भी डिलीट किया, उसके बाद 15.10 जो डिफॉरेस्टेशन है वो भी डिलीट किया है हमने, मगर 15.11 जो मिशन हरित महाराष्ट्र जो पॉइंट है उसे हम इस सिलेबस में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, मैंने पूरा डिटेल में आपको इसके बारे में डिस्कस किया है, इसका मैं लिंक भी आपसे शेयर करूँगा, और लिंक भी शेयर करूँगा, और इस लिंक पे जाके आप ये पूरा पोर्शन प्रिंटेड वर्जन में देखेंगे, पूरा सिलेबस है उसमें, सिर्फ एक ही बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, पूरा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, जो 11th से जो 12th के जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने सिर्फ इसमें बोर्ड एग्ज़ाम को कवर किया है, हमने दूसरा कोई भी कंसेप्ट इस 11th का जो पोर्शन डिलीट है हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि 11th की एग्ज़ाम ही बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं है। ओके तो हम सिर्फ ऑफ 12th का ही एग्ज़ाम इसमें कवर कर लेंगे। ओके तो मेरे ख्याल से आपके पॉइंट अब क्लियर हो चुके हैं, अगर आप बुक लेके बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पोर्शन जो मैंने बताया वो आपको पूरा डिलीट करना है, वो आप उस पर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले।